Presenting Civil Guruji app, available in Google Play Store. Download now. आपका सिविल गुरुजी का सिविल इन ट्रेनिंग स्टूडियो में मैं हूं कॉर्पोरेटर राजकुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी इंजीनियर्स। आज हमारी ट्रेनिंग का जो है लास्ट डे है और दो महीने के दरमियान इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, दो महीने के दरमियान, और आज लास्ट डे उन्होंने करने आए। आज वो लास्ट डे ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म करने आए हैं, तो मैं इंजीनियर से जाके पूछूंगा कि आज वो ब्रिक वर्क लेआउट कैसे किया और ये दो महीने के दरमियान उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। दोनों चीज जानेंगे साथ साथ, तो बने रहे हमारे वीडियो में। मैं चलता हूँ इंजीनियर के पास। इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं आप लोग? ब्रिक वर्क लेआउट कर रहे हैं। ब्रिक वर्क लेआउट क्या होता है? ब्रिक वर्क लेआउट मोस्टली ये होता है कि हम क्लाइंट को रेफरेंस के लिए या सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये सब बताते हैं कि आपका घर या आपका प्लॉट किस तरह से बनेगा, कहाँ किचन होगा, कितने बाय कितने का होगा, कितना बेडरूम होगा, किचन होगा, बाथरूम होगा, वो सब आप एक्चुअली देख पाएंगे प्लॉट पर अपना, जिससे आपको जो भी कन्फ्यूजन हो कि मेरा किचन छोटा है, बड़ा है, यहाँ होना चाहिए ना होना चाहिए, आप एक बार में बता सकते हैं कि आपको प्लॉट में बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो एक बार इतना बताने के बाद एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं पटना से हूँ, है ना। तो अच्छा राहुल जी, आपने जो आज सीखा है, जो आपने ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप ये ब्रिक वर्क लेआउट परफॉर्म करने का प्रोसेस क्या था, एक बार हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? इसका मेनली प्रोसेस है कि पहला मैं जितना प्लॉट बाय प्लॉट है, वो प्लॉट बाय प्लॉट का हम डायगोनल निकाल कर और उसको क्या तीन चार पाँच मेते से अपना डायगोनल बना लेते हैं। उसके अंदर जितना भी मैंने कि आउटर वाल है 10 mm का होता है, 10 इंच का होगा और इनर वाल 5 इंच का होगा। चलिए, तो मैं आखिरी में एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा राहुल, कि आपने जो यहाँ आपका कौन सा बैच था? मेरा नवम्बर से दिसंबर का बैच है। नवंबर से दिसंबर का। आपने दो महीने के दरमियान क्या सब सीखा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा औसम एक्सपीरियंस रहा कि ये सब दो महीना का है ना कोर्स, वो दो महीना का नहीं, 6 महीना 1 साल का बराबर जितना भी नॉलेज जो साइड पर रहकर स्टूडेंट गेन करते हैं, वो 2 महीना पर हमने गेन किया। तो क्या सब सीखा इसके दरमियान एक बार हमारे व्यूअर्स को और शेयर करना चाहेंगे, वो मतलब डिटेल से पूरा बताएं कि हमारे व्यूअर्स, क्योंकि वो आपको जान के वो भी सीखने आ सकते हैं, तो है ना, तो वो चीज़ें आपने जो एक्सपीरियंस किया है यहाँ, अब वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। मैंने फर्स्टली यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि जब भी हम साइट उतरते हैं तो मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके लिए हम यूनिट कन्वर्जन सीखें, जिसमें यूनिट कन्वर्जन सीखें। उसके बाद मैंने थ्रोड लाइट पे काम किया, मैंने वो बताया कि आपने रीडिंग कितना लेना है, क्या उसमें प्रोसेस है, वो सीखें। उसके बाद टाउनशिप लेआउट किए, उसके बाद कॉन्ट्रोलिंग किए, उसके बाद सर्वे क्वान्टिटी किए, उसके बाद बार वेडिंग शेड्यूल पढ़ें, और लास्ट में बिलिंग के साथ ही हम अपना क्लास ख़त्म करने जा रहे हैं। चलिए, तो क्या लगता है कि आप जिस उम्मीद से यहाँ आए थे राहुल, क्या वो चीज़ें आपको मिल पाएँ? बिल्कुल सर, जिस उम्मीद से आए थे कि मोस्टली फील्ड पर होता है या मार्केट में होता है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके कारण कंपनी आपको हायर नहीं करती है क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं है, उनका लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट आपके हाथ में जाएगा, वो कैसे आप हैंडल कीजिएगा, उसके लिए हम सीख जाते हैं। और ये क्लास हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कॉन्फिडेंस से कर सकिएगा कि मैं इस काम को, ये प्लॉट को या आपके कंपनी को पूरा सपोर्ट करूँगा। जैसा कि व्यूअर्स देख रहे थे, हमारे इंजीनियर आपके साथ शेयर करते, वो अपना एक्सपीरियंस की उन्होंने इस दो महीने के दरमियान क्या सब सीखा और आपके साथ वो बखूबी आपके साथ शेयर करते। मैं नेक्स्ट इंजीनियर से जाके पूछता हूँ कि उन्होंने उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने ये दो महीने के दरमियान क्या सीखा। तो इंजीनियर आपके सामने हैं, मैं इनसे पूछता हूँ कि आज उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा दो महीने के दरमियान का। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स। सर, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से। जो दो महीना में जो हम कोर्स किए ना, जो कहीं 6 महीना या साइड पे जैसे 1 साल भी काम करते उतना नहीं सीख पाते। कोई बोलता है एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिए, 2 साल का चाहिए, उतना 2 महीने के अंदर मुझे आ गया सर, क्योंकि 2 महीना जो सीखे सिविल गुरुजी में ना, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि क्या सब सीखा आपने। सर, फर्स्ट टाइम मेजरमेंट टेप तो पढ़ने नहीं आते थे, फिट किसे क्या होते हैं, सूत क्या होते हैं, सर पूरा वो सब सीखे, एस्टिमेशन सीखे है, फिर सर्वेइंग सीखे सर, उसमें ऑटो लेवल चलाएंगे कैसे, रीडिंग लेंगे कितना का, मतलब 5 mm है, 10 mm है, किसको क्या बोलते हैं, सर के द्वारा सीखे, वही सब सीखे सर। फिर बिलिंग सीखे, BBS भी सीखे सर। BBS भी अच्छे से आ गया आप? जी सर, BBS भी आ गया। साइड पे आप जाओगे तो अच्छे से BBS कर पाओगे सर, निकाल भी सकते हैं BBS सर। क्या एकदम कॉन्फिडेंस 100 पूरा सर, 200% है, 1000% पूरा सर। चलिए, और बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कहीं कि हम इंटरव्यू भी दिए तो उसमें भी थोड़ा बहुत अच्छा रहा। अब मैं यही कहूँगा कि व्यूअर्स को कि 2 महीना जो कोर्स किए ना, हम बहुत, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम कोई भी सवाल पूछेगा तो हम बता सकते हैं।
जो कहीं एक साल भी करेंगे काम, दो साल भी करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे वहाँ पे। तो हाँ चलिए, इसलिए हम जो कहेंगे जो भी स्टूडेंट आइएगा पढ़ने के लिए आ सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे सर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, और जो भी एस्टिमेशन है, बिलिंग है, बीबीएस है, कुछ भी नहीं, रेट एनालिसिस है, सब बहुत बेहतर तरीका से यहाँ पे बताया जाता है। आज आपने क्या परफॉर्म किया सर? ब्रिक वर्क लेआउट है सर, ब्रिक वर्क लेआउट की कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आज बताए। फील्ड पे किए भी है, देख लीजिए अभी भी फील्ड पे सर पूरा। चलिए, तो हमारे और भी कई सारे इंजीनियर हमारे पीछे देख रहे हैं, मैं उनसे भी जाके उनका रिव्यू लेता हूँ कि आज वो किस तरह से परफॉर्म किए हैं। इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तो हम लोग ब्रिक वर्क लेआउट कर रहे हैं। ब्रिक वर्क लेआउट में हम लोग वो दिखाते हैं कि जो रूम का साइज है वो कितना बड़ा है। हम लोग लाइव क्लाइंट को दिखाते हैं ब्रिक वर्क लेआउट करके। ब्रिक वर्क लेआउट में हम लोग क्लाइंट को दिखाने के बाद क्लाइंट सजेस्ट करेगा कि हाँ हमारा रूम का साइज इतना है, ठीक है, और कहाँ पर टॉयलेट है, कहाँ पर किचन है, ये हम लोग ब्रिक वर्क लेआउट में दिखाते हैं सर। चलिए, तो आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा दो महीने के दरमियान? हाँ, दो महीने के दरमियान सर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। क्या लगता है कि अब यहाँ से जाने के बाद आपने जो जिस उम्मीद से यहाँ आया था, यहाँ से जाने के बाद तो इतना सारा काम करवा देंगे कि फिर कहना ही नहीं है। सारा का सारा लेआउट, एस्टिमेशन, बीबीएस कैलकुलेशन, क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस, बिलिंग वगैरह सारा काम, मतलब कि सिविल का ऑल ओवर काम हम लोग कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस का लेवल सातवें आसमान पे है? यस सर, टेनर्स पंप पे। चलिए, जैसा कि हमारे इंजीनियर्स को सुन रहे थे आप लोग कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस, दो महीने का एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया यहाँ आके, वो सारी चीज़ आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। 9111001234 पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।